सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ईद मुबारक, बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि आने वाला साल उनके लिए ये महामारी से दूर होकर एक अच्छी, जो हमारी पहले की लाइफ थी वो शुरू हो जाए, यही मैं कामना करूँगी। कोरोना महामारी में डिंपल मेहता जी किस तरह से काम कर रही हैं और शहरवासियों को क्या मैसेज दें? जी बिल्कुल, ये कोरोना जो महामारी चल रही है आप देख रहे हैं, सभी अस्त व्यस्त, सभी की लाइफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी सभी नगर सेवक, सभी प्रतिनिधि, सभी संस्थाएं, एनजीओ सभी आगे आके काम किए हैं, और मैं उन संस्थाओं को ज़्यादातर धन्यवाद कहूँगी कि संस्थाओं ने आगे आकर जो काम किए हैं तो वो बहुत सराहनीय है ये संस्थाएं, और मैंने मेरे माध्यम से मुझे जितना हो सका उतनी मैंने मदद की, चाहे कोई भी माध्यम हो, मैंने ये नहीं सोचा कि कौन है क्या है, लेकिन जितना भी हो सका, चाहे कोई किसी को पैकेट बांटने की बात हो, अनाज वितरण की बात हो, या हमारे वार्ड में सैनिटाइज़र जो होते हैं, हमने हमारी ओर से भी जो प्राइवेट हो सका उस तरीके के माध्यम से भी हमने अपने वार्ड में सैनिटाइज़र कराया हो, और भी ऐसे बहुत से मददगार लोग हैं जो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं लेकिन हमें ज़रूर मिलते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमने मदद करने की मेरी ओर से मैंने पूरी कोशिश की। आप मीरा भाईंदर की मेयर रह चुकी हैं, अब आप एक्स मेयर हैं, मीरा भाईंदर शहरवासियों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? मैं यही मैसेज दूंगी कि मेरे सभी यहाँ के मीरा भाईंदर वासी घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हम अगर घर से बाहर आते हैं तो ये आगे आगे बीमारी बढ़ने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कितने आंकड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो मेरी यही है कामना कि सभी स्वस्थ रहे, सभी घर पे रहे, और घर पे ही जो भी आपको सामान मंगवाना है, बहुत सी फैसिलिटी अभी तो आ चुकी है, तो फैसिलिटी का उपयोग करें और घर पे रहें, बस यही मैं सभी मेरे शहरवासियों को कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ये डिंपल मेहता जी हैं, हमारी मुलाकात काफ़ी दिन के बाद इनसे हुई और इन्होंने शहरवासियों को, लोगों को, मीरा भाईंदर के लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज दिया है कि कोरोना लॉकडाउन में आपको किस तरह से जो है शहर में अपने घर में रहना है और किस तरह से सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच।